नमस्ते, खुश रहो बेटियों। टुडे वी विल डिस्कस कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो सेशन टू। तो सेशन फर्स्ट में मैंने आपको ये बताया था कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है बेसिकली वो तीन तरीके के पोर्टफोलियो आपको अवेलेबल कराती है, गवर्नमेंट पोर्टफोलियो, कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एंड एंटरप्रेन्योरशिप पोर्टफोलियो। तो जो स्टूडेंट है जो जॉब करना चाहते हैं उनके पास में हमेशा दो ऑप्शन रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको सेशन फर्स्ट में भी बताया था, या तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे या कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो आप अगर किसी बैंक में पीओ लगते हैं या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप बड़ी पोस्ट पर जाते हैं लाइक AN, JN, तब तो आपको सैलरी अच्छी मिल सकती है। आर एस क्लियर करके आप कलेक्टर बनते हैं, मजिस्ट्रेट बनते हैं, कुछ भी हायर पोस्ट पर जाते हैं तब तो आपको सैलरी अच्छी मिलती है। बट वहीं पे अगर आप LDC बनते हैं या जूनियर अकाउंटेंट बनते हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई का वहाँ पे कुछ भी महत्व नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, आपने MBA की और आप LDC बन रहे हैं, इट सिंपली मीन्स आपने अपनी पढ़ाई को वेस्ट किया है। अगर आप अपनी डिग्री का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एक सूटेबल ऑप्शन है। जो भी प्रोफेशनल डिग्रीज है लाइक MBA हो गई, BTech हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, उन लोगों को अगर अपना कैरियर बनाना है तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो हायर लेवल की पोस्ट पे वो जा सकते हैं, बट उसके अलावा उनको प्राइवेट सेक्टर में ही जाना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में आपको अच्छा पैकेज मिलता है, आपको ग्रोथ मिलती है, आप जब चाहे कंपनी स्विच करके दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं, पैकेज बढ़ा सकते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती है, मार्केट से आप अप टू डेट रहते हो, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या नई चीज़ आ रही है, इन सबसे आप अप टू डेट रहते हो। बेसिकली देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ या जो भी इंस्टीट्यूट है वो आपको एकेडमिक नॉलेज तो दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जर्नल एंट्रीज करना सीख लिया, बट जब आप किसी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे आपको किसी नोटबुक में जर्नल एंट्रीज नहीं करनी है, वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर में एंट्री करनी पड़ती है, तो वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता। इसको हम कहते हैं इंडस्ट्री गैप, कि थ्योरिटिकल नॉलेज तो हमारे पास में है बट प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे पास में नहीं है। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो इस इंडस्ट्री गैप को दूर करने का काम करती है। वो आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर सिखाती है, जो सॉफ्टवेयर अभी मार्केट में चल रहे हैं, मार्केट में ट्रेंड में है, जैसे डेटा एनालिसिस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, ये अभी मार्केट में लेटेस्ट चल रहे हैं। अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी जॉब में शायद नहीं लग सकते। SAP है, टेली है, तो एक अकाउंटेंट के लिए इन सॉफ्टवेयर का आना जरूरी है। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो इस इंडस्ट्री गैप को क्या कर रही है, दूर करने का काम करती है। बेसिकली देखा जाए तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसका अलग अलग कंपनी के साथ में टाइप है, लाइक गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मैनी बैंक्स है लाइक HDFC, ICICI, फिनसर्व, कई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ट्रेडिंग कंपनीज है जिनके साथ में फिर हमारी यूनिवर्सिटी का टाइप है। यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी क्या करती है, उन कंपनीज को यूनिवर्सिटी में बुलाती है, वो कंपनीज आपको या तो इंटर्नशिप ऑफर करती है और हो सकता है कभी आपको जॉब भी ऑफर करती है। तो कभी कभी यूनिवर्सिटी में कंपनीज डायरेक्ट जॉब के लिए भी आती है, जॉब ऑफर करने के लिए भी आती है और इंटर्नशिप के लिए भी आती है। लास्ट ईयर ही यूनिवर्सिटी ने BBA रिटेल के साथ में एक टाइप किया है, जिसमें BBA के जितने भी स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर से ही उनको पढ़ाई के साथ साथ इंडस्ट्री एक्सपोजर दिया जा रहा है। वह रिलायंस रिटेल के काउंटर पे जाएंगे, शॉप पे जाएंगे, उसके मॉल में जाएंगे, वहाँ पे जाके वो काम करना सीखेंगे। तो यहाँ पे उनको ये फायदा हो रहा है कि 3 साल में जब उनकी BBA होगी तो आफ्टर 3 ईयर वो एक्सपीरियंस पर्सन कहलाएंगे, ना कि फ्रेशर। अब आप ये एग्जांपल लेके सोचिए कि आप अगर BBA कर रहे हैं, 3 साल तक आपने पढ़ाई की और 3 साल बाद आप जॉब करना चाहते हैं तो आप फ्रेशर कहलाएंगे, बट अगर आप BBA रिटेल में जाते हैं तो 3 साल में आपने काम भी सीखा है, पढ़ाई भी की, तो आफ्टर 3 ईयर यू विल बी एक्सपीरियंस पर्सन। तो वहाँ पे 3 साल बाद जो आपको सैलरी मिलेगी वो एक एक्सपीरियंस पर्सन के हिसाब से मिलेगी, ना कि फ्रेशर के हिसाब से। तो कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो जो है वो उन स्टूडेंट के लिए है जो अपना कैरियर प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं।